प्री कटर का प्रोग्राम बनाएंगे, मॉडल इंपोर्ट करेंगे, मॉडल इंपोर्ट बनाएंगे इसको, सेंटर लेंगे इसका, टॉप क्रिएट करेंगे, शेयर वर्ड करेंगे, आउटर में मटेरियल देंगे कैलकुलेटर का। दोस्तों इसका यूनिट चेक करेंगे कितने का टिकट रंग चलेगा। ये आ रहा है, इसे जीरो करेंगे पहले, कैलकुलेट 5 यूनिट दिखा रहा है दोस्तों इसमें, और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसका आ रहा है, जेड को अनलॉक करेंगे तो 10 यूनिट ऐसे करेंगे। इसका पैटर्न जनरेट करेंगे, क्रिएट पैटर्न, इंपोर्ट मॉडल, इसका बाहर वाला डिलीट कर देंगे कर को, अंदर वाला रखेंगे सिर्फ कर। इसके में जाएंगे टूल पास में, 2D में, 2D कर प्रोफाइल में जाएंगे, टूल ले लेंगे उसमें डिस्क टूल, यहाँ पे दे देंगे। जैसे 5 mm अंदर जा रहा है तो कम से कम 5 mm अंदर जाएगा, 15 mm, 20 mm लेना पड़ेगा, 10 mm इसके बाद 10 mm ये रहेगा, उसके बाद जो ऊपर है सेंक रहेगा, सेंक का 10 mm सेंक कर रखेंगे कम से कम, उसको 10 mm पे उसको 30 mm निकाल लेते हैं ऐसे, तो ये 20 mm है, 10 mm 5 5 mm बचेगा, फिर भी टक्कर खाएगा दोस्तों, ये कम से कम 25 mm रहेगा, ठीक है, 2.5 2.5 बचेगा, 2.5 सेंक टच होने से बचेगा उससे। इसमें कर्व एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अंदर ये मिडल पॉइंट है, साइड पॉइंट, हम साइड में चलाएंगे, बीच में चलाएंगे तो मिडल अंदर काट देगा, तो साइड में करके चलाएंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ मॉडल को हाइड करेंगे, इसको आउटसाइड चलाएंगे, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड करो, इस पर क्लिक करोगे टूल पे तो इनसाइड आउटसाइड, हमें आउटसाइड चलाना है, इस पर क्लिक करके आउटसाइड ले जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। उसके बाद ये पूरा जेड में हाइट, तो आप मैनुअल देख के यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो, 20 mm भी देख सकते हो, यहाँ पर 20 mm भी डाल सकते हो, -20 mm, और नहीं तो आप टच भी करके कर सकते हो, यहाँ पर टच पे जाएंगे ऐसे करके -20 दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे वापस 0 करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ऑटोमेटिक -20 हो जाएगा। टॉलरेंस टॉलरेंस दे दिए इसमें 0.1 या 0.01 में प्रोग्राम बनाना है, कर्व थिकनेस 0 रखना, 0 रख सकते हो या देख सकते हो आप, क्लेम में चलाएँगे उसको प्लस वाला ऑप्शन में, कट डायरेक्शन ऑन करेंगे, इसमें सिंगल बार में 5 mm काटेंगे तो कट खुल जाएगा, देखिए एक बार मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ, और नहीं तो थिकनेस छोड़ना चाहोगे तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो थिकनेस, जैसे 0.2 छोड़ दिया, जैसे मैंने 0.2 छोड़ दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे कंट्रोल टी दबाएंगे, बटर शो करेगा हमारा, इस पर देखो ग्रीन ग्रीन पे वाले ले जाएंगे ना, तो कटर ना थोड़ा सा हमारा बाहर है एक बार। अब इसके बाद हम यहाँ थिकनेस पे वापस 0 कर दें, उसके बाद वापस कैलकुलेट करें, हम वापस कैलकुलेट करें, उसके बाद वापस पे दबाएंगे हम, देखो बिल्कुल टच हो गया है ना दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद और बताता हूँ मैं आपको, मतलब अब इसको 4-5 पास में काटना हो तो आप 4-5 पास में भी काट सकते हो, इसमें जाके नंबर ऑफ कट डाल दो, नंबर ऑफ कट कितने थे, तो एक एक में कट देते, 5 पास कर देते हैं, एक एक में कट देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं, दोस्तों हो गया, देखो 1 2 3 4 5 mm का पास, ये देखो दोस्तों 1 2 ऐसे करके, लेकिन अब लास्ट में शायद
चाहते हैं कि हम पॉइंट टू का लास्ट में फिनिश कर, पॉइंट टू करेंगे, तो सिर्फ पॉइंट टू कर देंगे वॉल थिकनेस वाले में, ठीक है दोस्तों। लास्ट पास्ट वॉल नहीं, इस पर क्लिक कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया लास्ट का पॉइंट टू का, ठीक है। इसके बाद अब देखो लीडेस्ट लिंक का इसका देख लेते हैं, जैसे कि अभी ये टूल आएगा या जाएगा तो टूटने का चांस होता है, तो इसलिए इसके अंदर जाएंगे पहले, इसके अंदर हाइट दे देंगे 10 5, ठीक है, सेट कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे, इसमें हाइट दे दो अपना 2 1 जैसे देना आपको। उसके बाद लीड इन में चले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आर कर देंगे इस जगह पे, 120 डिग्री चेंज करो, अच्छे से सेट कर दो। उसके बाद इसमें जैसे कि 25 का कटर है तो 12.5 भी डाल सकते हो, या 13 mm डाल दो, या 15 डाल दो, ठीक है। उसके बाद कॉपी टू लीड आउट यहाँ पे लाएंगे लास्ट में, सेव सेव रखेंगे, अप्लाई सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों जब ये आएगा, जैसे कि आ रहा है तो ऐसे कि आ रहा है तो ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और जब निकलेगा तो ऐसे पूरा करके निकलेगा, कटर हमारा नहीं टूटेगा, ठीक है दोस्तों। अपना 3D स्पीड देखे ओके सर, ये प्रोग्राम से आप ऐसे भी बना सकते हो, रैंपिंग में कंटिन्यू 5 बार, नहीं तो आप सिंगल सिंगल पास में भी करके बना सकते हो, ऐसा शायद सही नहीं होगा, लेकिन आप मन करे तो आप चला के देख लेना। तो आप 5 जैसे पॉइंट टू करके कटना, तो आप ऐसे करके दे दो, जैसे कि ये सारा ओके हो गया। कट डिस्टेंस में जाके इसमें स्टॉक की वाइड वाला रहने देना, ठीक है, इसमें 5 mm रहने देना। इसमें ना आप थिकनेस इसे बंद कर देना, और इसके अंदर आप थिकनेस डाल देना 4 mm डाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। सिंगल पास बन गया प्रोग्राम आपका ऐसा करके, है देखो, ठीक है। ऐसा ऐसा करके 4 बार प्रोग्राम बना के भी चला रहे तो भी सही रहेगा। लास्ट में पॉइंट टू, और यहाँ पे लीडेंस लिंक में आर्क ऐसे वाला कर देना कि कटर हमारा टूटे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आप जैसे बताएं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल करें, एंड आपके रिक्वायरमेंट पर वीडियो बनाएंगे। आप चाहे आपके मॉडल आप मॉडल दोगे तो हम उस मॉडल पे भी आपका वीडियो बना